हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पगड़ी नगर कस्बे के राम मंदिर के सामने एक शाम गौ माता के नाम विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। संतों के सानिध्य में आयोजित भजन संध्या में मोहित देवड़ा ने गणपति वंदना के साथ भजन संध्या का आगाज किया। सरपंच बुंडा राम चौधरी, उप सरपंच कमलेश लोहार के मुख्य अतिथि में आयोजित भजन संध्या में गायक कलाकारों ने एक से एक बढ़कर भजन प्रस्तुत करी। सरपंच बुंडा राम चौधरी, उप सरपंच कमलेश लोहार के मुख्य अतिथि में आयोजित भजन संध्या में गायक कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत कर वाहवाही लुटी। पाली से आए भजन सम्राट रमेश माली एंड पार्टी ने सदगुरु आयो मारे आंगणे भजन प्रस्तुत कर श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। वहीं पाली से आए बावले छोरे ने गौ माता की सुनो पुकार, गाय हमारी माता है, पूरा भारत गाता है जैसे भजन पेश कर वाहवाही लुटी। इस अवसर पर सांचौर से आई भजन गायक कलाकार रेखा परमार ने महादेव जी पर भजन प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया। वहीं सरपंच बुंडाराम चौधरी ने अपने उद्बोधन में कहा कि गौपुत्र सेना सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने गायों के लिए जो कार्य किया है उसकी तारीफ की जाए उतनी कम है। उन्होंने आगे कहा कि नंदी गौशाला खोलने के लिए जो प्रयास करने होंगे मैं वो अवश्य करूंगा। इस अवसर पर समाज सेवी कालू भाई मेवाड़ा, श्याम जोशी, रमेश भट्ट, कांग्रेसी नेता डायाराम माली, वचनाराम सेणचा, गुमानमल सेणचा, विधायक प्रतिनिधि महेंद्र मेवाड़ा, नरसिंह गोपाल गौशाला के अध्यक्ष हरीश सोनी, युधिष्ठिर शर्मा, कैलाश सोनी, नरसिंह गोपाल गौशाला के अध्यक्ष हरीश सोनी, युधिष्ठिर शर्मा, कैलाश सोनी, तरुण मेवाड़ा, प्रहलाद मेवाड़ा, लून सिंह, लक्ष्मण गहलोत, मोती सिंह सहित गौपुत्र सेना सांडिया कुशालपुरा के कार्यकर्ता मौजूद थे। इससे पूर्व गौपुत्र सेना सेवा समिति ने अतिथियों का व कलाकारों का माला पहनाकर हार्दिक अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन गजेंद्र गर्ग ने किया। जागरूक टीवी के सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।